हेलो फ्रेंड्स, केटीएनटी का और एक वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से वापस आ गए और एक नया प्रोडक्ट लेके, जिसका हम लोग आज अनबॉक्सिंग करेंगे एंड उसका प्रॉपर यूज दिखाएंगे। तो चलिए देरी ना करके दिखा देते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। यस, दिस इज स्टैनली वेरिएबल कंट्रोल हीट गन। ये वेरिएबल कंट्रोल क्यों है कि इसमें एक आपका रेगुलेटर आता है जिससे आप हीट को कंट्रोल कर सकते हो, हाई टू लो, वो हम लोग दिखाएंगे अनबॉक्सिंग के बाद। एंड एज वेल एज इसका दो तीन स्टेप्स है, मींस जो फ्लो ऑफ एयर है, जो हीट गन का थ्रू जो गर्म हवा निकलता है, उसका आप जितना स्पीड है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज। एंड दिस इज अ मल्टीपर्पज थिंग। इसका यूज इज वेरी मच नाउडेज, इट इज वेरी मच कॉमन फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, देन एनीवेयर जहां पे आपको हीट श्रिंक ट्यूब यूज होता है, वो भले आप कोई वायर को ज्वाइन करने के लिए हो या फिर किसी को क्रैम्प करने के लिए हो, कोई भी इक्विपमेंट के ऊपर आप रैपर लगा के फिर हीट दे के उसको क्लोज अप करने के लिए हो, कहीं पे भी बहुत जगह पे यूज होता है। एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे तो बहुत जगह पे यूज हो रहा है, क्योंकि आप विनाइल इंस्टॉलेशन पे कहाँ पे तो बॉडी का डेंट ठीक करने के लिए, देन प्लास्टिक का कुछ भी डेंट आता है तो उसमें भी यूज होता है। तो बहुत सारा यूज है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट्स 2000 वॉट आपको लिखा हुआ है स्टैनली की तरफ से। तो बॉक्स ऐसा कुछ दिखता है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीजें मिल जाएगा जहां से आप परचेस कर सकते हो। एंड अगर इफ यू आर इन कोलकाता से आप बिलोंग करते हो तो हमसे डायरेक्टली आप ले सकते हो। एंड अगर आप बाहर से हो, ऑल इंडिया बेसिस में, तो हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। तो चलिए देरी ना करके इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, स्टैनली वेरिएबल स्पीड हीट गन 2000 वॉट। यहाँ पे आपका इसका कितना टेम्परेचर है वो दिया हुआ है, फिर इधर आपको दिखा हुआ है कि कितना फ्लो से निकलता है, 1 ईयर स्टैनली वारंटी। फिर साइड वाइज इट लुक्स लाइक दिस, पीछे भी ऐसा है। दिस इज द स्पेसिफिकेशन एज वेल एज द MRP, 2700 MRP है इसका। यहाँ पे बारकोड वगैरह है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये बॉक्स है। चलिए इसको फटाफट से खोलते हैं यहाँ से। जब भी आप खोलेंगे यहाँ पे इनसाइड पे यू विल फाइंड लाइक दिस एक हीट गन एंड डिसेंट लेंथ वायर दिया हुआ है उसके साथ साथ, और आपको जो मिल रहा है वो है इसका मैनुअल एंड वारंटी कार्ड जिसमें मॉडल नंबर वगैरह लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, मगर हम लोग इसको साइड कर देते हैं एंड इसके कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ यू विल गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वायर, जो आपका प्लग पॉइंट अगर थोड़ा दूर भी है तो आपको चल जाएगा। बट यस, इट्स टोटल फाइबर एंड ABS प्लास्टिक बॉडी, सो आपको करंट या शॉक लगने का भी कोई टेंशन नहीं है। एंड एज वेल एज यहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, एंड दिस इज वाई ओनली नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको बिजली का झटके का कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि टोटली प्लास्टिक बॉडी है। यहाँ पे अगर आप लोकेट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेगुलेटर दिया हुआ है, प्लस एंड माइनस दिया हुआ है। दिस इज जस्ट टू कंट्रोल दी हीट, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है, जैसे आप घुमाएंगे वैसे है। ओके, ऑन ऑफ का स्विच आपका पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ से आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। ये जो आपका 2 स्टेप का स्विच दिया हुआ है, इससे आप अपना फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, एक हाई और एक मीडियम। बट इसका यहाँ पे नोजल पे भी ये गार्ड दिया हुआ है, बट दिस इज द मेटल पार्ट। इस पे आप गलती से भी हाथ ना लगाएं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब यूज होता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट हीट जब निकलता है तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे स्टैनली का ब्रांडिंग है और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, हीट गन, फिर आपका टाइप 2000 वॉट, मॉडल नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए गाइज, इसको अभी टेस्ट करते हैं एंड आपको एक इसका यूज़ भी दिखाते हैं। हम लोग हीट श्रिंक ट्यूब के ऊपर यूज़ करेंगे, जो हमारे पास अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, हम उसके ऊपर यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे काम करता है। सो गाइज, जैसे आप देख पा रहे हो, हमने इस वायर को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया स्विच बोर्ड पे, एंड यहाँ पे हमने एक बोर्ड ले लिया है ताकि ये जब हीट देंगे तो हीट क्रिएट होगा, तो नीचे का जो जिस पैनल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो ख़राब ना हो। अच्छा, जिसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमने एक 12 mm PP पॉलीप्रोपिलीन रोप ले लिए है ताकि खुल ना जाए, इसलिए हम लोग इसको टेपिंग कर लिए है। यहाँ पे हमने एक थिम्बल लगा के इसको ऐसे लूपिंग कर दिया, एंड दिस इज़ ये जो आपको नरम नरम आपको दिख रहा है, दिस इज़ द हीट श्रिंक ट्यूब।
तो डोंट गो बाय दिस प्रोसेस बिकॉज ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस नहीं है. प्लस स्प्लाइसिंग मतलब इसको जब ज्वाइन किया जाता है तो इसमें वीविंग होता है, वो हम आपको नहीं दिखा रहे. उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बना के आपको दिखा देंगे कैसे स्प्लाइसिंग होता है, एंड वो 6 इंच का भी होता है सेफ्टी नॉर्म्स अनुसार. बट हम आपको आज दिखाएंगे कि ये हीट गन कैसे काम करता है, कि कैसे इसको श्रिंक करके दोनों को हार्ड कर देगा. तो ये चीज़ दिखाने के लिए हम लोग ये छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए है अभी के लिए आपको दिखाने के लिए. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं. अब हीट देख सकते हैं, यहाँ से मेरे को अच्छा खासा हीट लग रहा है. तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते, अभी तो बढ़ा हुआ ही है. तो अभी देखिए हम इसमें हीट डालते हैं और गौर कीजिएगा कि ये कैसे श्रिंक हो जाएगा. देखिए कैसे चेंज हो रहा है. हमको यूनिफॉर्मली इसमें डालना है. देख सकते हो स्लोली ये कैसे पूरा बैठ जाएगा. क्लोजली भी देखिए, इस जगह पे देखिए कितना मोटा था, ये 25 mm का था. यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हो पूरा अभी नरम है एंड बहुत ही गर्म है. तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको ठंडा होने के लिए. तो ऐसे ही बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसको. एंड इसका बात करें तो देखिए हमने इसको ज़मीन पे रख दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी हीट होके रखा है. एंड इसका जो ये नोज़ल है मेटल पार्ट, इस पे तो हाथ अभी मत ही लगाइए, बहुत ज़्यादा हीट होगा अभी. एंड कभी कभी यूज़ करते करते ना आपको थोड़ा बर्निंग स्मेल आ सकता है, क्योंकि ये जब हीट होता है अंदर का कॉयल तब थोड़ा बर्निंग स्मेल आता है. तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है. एंड मेरे हिसाब से जब भी आप ऐसा 2000 वॉट एंड अबव ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो तो अपना जो प्लग पॉइंट से आप पावर ले रहे हो उसमें MCB होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ओवरहीटिंग का अगर कुछ इश्यूज है तो वो ट्रिप होके आपका मशीन को भी बचा देगा, एज वेल एज कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी नहीं होगा. तो MCB ज़रूर यूज़ कीजिए. सो गाइस आज का वीडियो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा. और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए. एंड हीट गन रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम लोग उसके ऊपर भी दूसरा एक वीडियो बनाएंगे. एंड मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया था पहले ही हीट गन का कंपेरिजन के लिए. तो आज हम लोग स्टैनली का अनबॉक्सिंग किए हैं एंड उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको दिखाया कि हाउ इट वर्क्स. बट हम लोग एक डिटेल कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे अदर ब्रांड्स के साथ. तो और भी अगर क्वेश्चन आपके मन में है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम लोग उसको भी लेके आ सकते हैं. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पे मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.